This is NDTV, and you're watching Classics. ये जो हुमायूं का मकबरा है जो बादशाह अकबर ने बनवाया, एक बहुत पावरफुल बिल्डिंग है। ये 16th सेंचुरी की शायद सबसे पावरफुल बिल्डिंग है। ऐसी बड़ी इमारत कहीं दुनिया में और नहीं है, ना ईरान में है, ना उज़्बेकिस्तान में, नहीं कहीं नहीं है। अकबर ने जब अपनी राजगद्दी संभाली तो ये अकबर को ज़रूर लगा कि ऐसी कोई बिल्डिंग बनाई जाए जिससे अनाउंस किया जाए, वर्ल्ड को बताया जाए कि हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, सिर्फ लूट करने नहीं आए। तो ये एक पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज था। इस बिल्डिंग पे वो नक्काशी नहीं है जो ताज पे है, बट ये एक मैस्कुलिन टूम है, एक मर्द के लिए बनाया गया टूम है। और इसी में बाद में 160 और मुगल फैमिली के लोग दफन किए गए। ये मैं हूँ नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का बेटा और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का वालिद। इतिहास के पन्नों के ढेर में बाबर और अकबर के बीच मैं वो पन्ना हूँ जिसे लोग तेजी से पलटकर आगे बढ़ जाते हैं। मैं कोई महान सेनापति नहीं रहा, बगावतों से जूझता रहा, मगर दिल कविताओं और कहानियों में। ईरान से लौटकर मुगलों की हुकूमत को समेटने की कोशिश की, लेकिन 1556 में एक लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मेरी मौत हो गई। यह मेरा ही मकबरा आप देख रहे हैं। अलग अलग मुल्कों, मजहबों और जुबानों के लोग इसके जर्रे जर्रे की तस्वीरें खींच रहे हैं, शायद हुमायूं को ढूंढ रहे हैं। इन जालियों से छनकर आती रोशनी ये कुछ और नहीं, मेरी ही तबीयत है। पर्शियन क्राफ्ट्समैन, हिंदुस्तानी पत्थर के जो कारीगर थे, जो 3000 साल से काम करते थे, उनसे मिल जोड़ के एक नक्शा प्रोड्यूस किया गया। और इस स्केल पे, हालांकि इससे पहले लोदी बादशाह के मकबरे होते थे, पर वो इसमें इसके एक 10% भी नहीं है, मतलब कि ये उनसे 10 गुना बड़ा मकबरा बनाया गया। 90 साल पहले की यह तस्वीर है, हुमायूं का मकबरा और उसके ठीक पीछे बहती यमुना। और ये आज की तस्वीर है, करीब करीब बिल्कुल वैसी जैसी अपने बनने के वक्त रही होगी। 1572 में बना था यह मकबरा। इसके बचाने की कहानी इतिहास और वर्तमान दोनों के लिए सबक है। तभी आज ये इमारत फिर से बड़ी दिखने लगी है, बनाने वालों से भी बड़ी, जिनका जिक्र एक पत्थर के टुकड़े पर है, वो भी आधा अधूरा। जो इमारत अपने कायम होने के 440 साल बाद तक वजूद में हो, उस इमारत के बारे में आपका ये रिपोर्टर क्या बताएगा जिसकी उम्र अभी 40 साल भी नहीं हुई है। सवाल आपके रिपोर्टर और इस इमारत की उम्र का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम ऐतिहासिक इमारतों और विरासतों को अपनी और अपने शहर की पहचान का हिस्सा मानते हैं, या फिर इनके साए में तस्वीरें खिंचाकर अल्बमों के तहखाने में धकेल देने का सामान। ऐसा कैसे हो गया कि जिस दिल्ली की हर हवा किसी न किसी ऐतिहासिक इमारत को छूकर गुजरती हो, उस दिल्ली में बिल्डरों, निगमों और सरकारों की कारस्तानियों के चलते कई ऐतिहासिक इमारतों पर पर्दा पड़ गया। गनीमत है कि हुमायूं का मकबरा एक बार फिर से साफ साफ दिखने लगा है, और हो भी सकता है कि ये मकबरा एक दिन दिल्ली की पहचान बन जाए। पर आज के इन कारीगरों को तो आप देख ही सकते हैं, भरतपुर और धौलपुर से लाए गए हैं, जहां आज भी कई लोग पीढ़ियों से पत्थर तराशने का काम करते हैं। कुछ को ट्रेनिंग दी गई, औजार भी उसी जमाने जैसे हैं। हर दिन 700-800 छेनियों की आपूर्ति के लिए लोहारों की कार्यशाला भी बनाई गई। ये जो हमारे कारीगर हैं, ये ट्रेडिशनली भरतपुर के ही हैं, जहाँ से ये पत्थर आता है। अच्छा। तो ये सदियों से वही तरीका फॉलो करते आते हैं। एक पत्थर जो है 4 फुट के करीब, 2 फुट बाय 2 फुट का पीस एक कारीगर एक दिन में तैयार कर पाता है। एक दिन लगता है पूरा? एक दिन लगता है 2 फुट बाय 2 फुट का पत्थर बनाने में। इन सब के नाम होते हैं क्या? हाँ, नाम होते क्या है? जैसे नाम इनका, इसको तो बोलते हैं नज्जी। नज्जी? नज्जी। इसको नज्जा बोलते हैं। नज्जा। इसको बोलते हैं पंजी। पंजी। इसको बोलते हैं तकला। तकला तकला। ये तकला है, ये पंजी है, ये नज्जा है। हाँ, ये नज्जी है। और ये क्या है? ये भी खलक है। खलक। हाँ, ये खलक है। और एक और बात है कि आप देखेंगे कि जो हथौड़ियां हैं इनकी, इस हथौड़ी में छेद है, तो जब ये काम करने के बाद पत्थर पे बहुत सारा धूल जमा हो जाता है तो वो यहीं से फूंक मार देते हैं, जिससे पूरे जो सतह है वो साफ हो जाती है। पत्थरों को हाथ से चढ़ाया गया, हर पत्थर को नजाकत से उठाकर रखा गया और जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। पुराने पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने के मसाले तैयार किए गए। कंधे से रोलर को खींचा गया ताकि चूना और सुर्खी का रंग ठीक ठीक मिल जाए। ये जो चूने से आप जो कर रहे हैं, सीमेंट से कर सकते थे आप, क्यों नहीं कर रहे? चूने की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ। पहली बात है चूने की, इससे बाइंडिंग ज्यादा अच्छी होती है। सीमेंट की लाइफ जो है 40 से 50 साल है। चूने का एक प्रोसेस है कि हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहता है। अच्छा। और ये पत्थर बनता रहता है, तो जैसे सैकड़ों साल जितनी इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहेगी, ये उसकी ताकत बढ़ती रहेगी। मसाले के ऊपर पत्थर को रखकर ठोका जा रहा है ताकि पत्थर बराबरी से बैठ जाए। सारे पत्थर यहीं से निकालकर तराशे गए हैं, नए पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ी। पत्थर एक साइज के हों, इसके लिए कारीगरों की टोली को नंबरों में बांटा जाता था। यही प्रक्रिया इस बार भी अपनाई गई। तो हर कारीगर का एक नंबर है। ये 34 नंबर है, ये 46 नंबर है, ये 51 है, कोई 5 है, 51 है। मान लीजिए इस कारीगर का आपने नंबर 10 दिया है। हाँ। वो कोई कारीगर है उसका 20 नंबर है। हाँ। हर एक तो आप पता कर लेंगे कि 20 नंबर वाले ने ये जो बनाया है, मतलब उसका शेप सही है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात प्लेन, ये जो सरफेस की स्मूथनेस है, ये स्मूथनेस सही है कि नहीं है। पिछले 2-3 सालों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आगा खान ट्रस्ट दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हाथ के स्पर्श का एहसास संरक्षण में भी बना रहे। जो मशीन से पत्थर तैयार होता है, हाँ, वो पत्थर देखने में तो भद्दा लगता ही है। हाँ। पर वो जो एज करता है वो भी खराब एज करता है। तो वो मतलब कि जब हाथ से छेनी से पत्थर तैयार किया जाता है तो पहली बात तो कारीगर को समझ आ जाता है कि ये पत्थर ठीक नहीं है, इसको नहीं इस्तेमाल किया जाए। हाँ। मशीन तो कोई पत्थर को पहचान नहीं सकती कि पत्थर ठीक है नहीं ठीक है। तो वही कारीगरी हिंदुस्तान में अमर है, उससे रोजगार बनता है लोगों का। और ये हमारे देश में ये जब तक हम लोगों की जिंदगी से नहीं जुड़ेंगे तब तक इनकी रक्षा करने के लिए लोग आगे नहीं आएंगे। हुमायूं का मकबरा मुगलों का शयनागार भी कहलाता है। यहाँ 160 से भी ज्यादा मुगल खानदान के वारिस दफन हैं, जिनमें से 5 मुगल बादशाह हैं। इन कब्रों में जब बादशाहों की रूहें अपनी नाइंसाफियों के लिए करवटें बदलती होंगी तो उनकी बनाई ये आलीशान इमारतें सुकून देती होंगी, जिनके सामने खड़ा आज का इंसान उनके फरमानों की नहीं, इमारतों को लेकर उनकी बारीक समझ की दाद देता है। मकबरे के निचले तल में 64 कमरे हैं, 4 ऊपर हैं। सभी कमरों में किसी ना किसी की कब्र है। इन कमरों के छज्जे की नक्काशी भी सीमेंट से ढक चुकी थी, अब दोबारा खोज कर कायम करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली ये जो डिजाइन है, हाँ, ये हमारे को कई जगह मिला। हाँ। जैसे कि ये 17 कमरे हर तरफ हैं, तो पूरे 68 के कमरे के करीब हैं। तो ज्यादातर तो सीमेंट के साथ खत्म हो चुका था, पर जहां हमने सीमेंट थोड़ा झड़ा तो उसके नीचे ये पैटर्न मिले। तो यही पैटर्न को पूरा रिकॉर्ड करके लेजर स्कैनिंग के थ्रू यही पैटर्न को रेप्लिकेट किया। फिर ये जो कारीगर हैं वो इसी पैटर्न को वापस सब जगह लाने का काम में जारी है। जो ये हम काम कर रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो मुगल कालीन में जो इसका डिजाइन था, जो मुगलों ने इसका बिल्डिंग का डिजाइन, वो डिजाइन वापस लाया जाए और 20वीं सदी में अंग्रेजों के आने के बाद जो डिजाइन सीमेंट वगैरह से बर्बाद किए उनको वापस पुरानी तरीके से सुंदर बनाया जाए। पत्थरों से पटा यह फर्श खुरदरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वास्तुकार सईद मोहम्मद गयास चाहता था कि लोग नीचे नहीं ऊपर के तल पर चले, जहां वो इसकी भव्यता से भाव विभोर हो जाएं। कई किलो सीमेंट का मलबा हटाया गया और वापस फर्श वैसा ही दिखने लगा जैसा बनाने वालों ने बनाया था। पहली इमारत इतनी परफेक्ट, हाँ। जो पहले लोग करते हैं कुछ गलतियां हो जाती है तो इतनी परफेक्ट दिखती है जिसका कोई पहले एग्जाम्पल नहीं, कुछ नहीं। हम आ गए हैं छत पर, जहां गुंबद की बुलंदी नजदीक से देखी जा सकती है। इसके ऊपर छोटे से दिख रहे ये कलश असल में 2 मंजिला इमारत के बराबर हैं। रतीश ने बताया कि यहां से 10 लाख किलो सीमेंट की परत हाथ से निकाली गई है। पुराने ठेकेदारों ने इस कदर सीमेंट भर दिया था कि पानी की निकासी का सिस्टम भी मिट चुका था। तो ये पहले कंक्रीट हटाया, इसका ओरिजिनल फर्श निकाला गया, उसकी ठीक ठाक करे गई। अब ये कुछ पत्थर हैं जो ये पत्थर गल गए हैं, जैसे कि ये पत्थर गल गए हैं, इनको रिप्लेस करने का है। तो वो पत्थर तैयार हैं, अब इनको वो पत्थर निकाल के इनको लगाने गए हैं। ब्लू टाइल्स झलक मिल रही है, हाँ। तो वो काफी हद तक तो सीमेंट से कवर्ड थी, हाँ। बट हमारे को ओरिजिनल पैटर्न मिल चुके, तो अब ये उज्बेकिस्तान और ईरान से कारीगर लाके, हाँ। इनको जैसे पुराने फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन वैसी टाइल बनाने की कोशिश जारी। हिंदुस्तान की इमारतें आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग से नहीं, कारीगरों से बनाई गई। 100 सालों से जब तक राजा महाराजा थे तो कारीगर उसके इंचार्ज थे, मरम्मत करते थे, सब ध्यान से समझ। पर अंग्रेजों के आने के बाद जब ये मॉन्यूमेंट सारे मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हो गए तो इसके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को बिठा दिया गया जिनको कारीगरी के बारे में बहुत कम नॉलेज थी। हुमायूं का मकबरा अब काफी ठीक हो चुका है। अगर इसे समाज और जीवन से जोड़ दिया गया तो अगले 400 साल तक इसे कोई तकलीफ नहीं होगी, बस इस्तेमाल होता रहे। यहीं से एक नई बहस जन्म ले रही है। अभी तक हम संरक्षण का मतलब समझते थे कि यहाँ कोई नहीं आएगा। न्यूयॉर्क जैसे 200 साल पुराने शहर में 29,000 संरक्षित इमारतें हैं, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 15,000। दुनिया में 228 वर्ल्ड हेरिटेज सिटी हैं, हिंदुस्तान में एक भी नहीं। जब से हमने आज़ादी पाई, हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ, तब से हमारा ये मकसद रहा है कि इंडस्ट्रियलाइज करो, प्रॉस्पेरिटी लाओ, और अपनी ही पास्ट के ऊपर हमने अपनी पीठ मोड़ दी गई। पर एलिटेस्ट अप्रोच इसलिए हो गया है कि हमने इमारतों के आसपास फेंस कर दिया कि इसके अंदर मत आइए, और ये एटीट्यूड थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये बताया जाता है कि ये इमारत है, अब ये गिर जाएगी, आप इसको संरक्षित कर दिया गया है। प्रोटेक्टेड का मतलब ये कल ही गिरने वाली है, नहीं प्रोटेक्टेड नहीं, अगर बन गई है। हमारा जो एटीट्यूड, हमारी जो लाइफ्स हैं वो मॉन्यूमेंट से कनेक्टेड नहीं रही हैं। तो जब तक स्कूल की एजुकेशन के पैटर्न चेंज नहीं होंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसीलिए निजामुद्दीन के लोगों को डेली पास दिए गए हैं ताकि वे यहाँ आकर 30 एकड़ में फैले इस बाग में सुबह शाम की सैर का आनंद ले सकें। पूर्वी द्वार की इस पुरानी तस्वीर को देखिए किस हालत में है। इस तस्वीर में यमुना साफ साफ दिख रही है। आइए अब हम चलते हैं मकबरे के पीछे का हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, जहां एक बारादरी बनी है यमुना नदी का नज़ारा लेने के लिए। ये वो आखिरी हिस्सा है जहां से कभी यमुना नदी छू कर बहा करती थी और यहाँ पर बादशाह या उनके मेहमान बैठकर नदी का खूबसूरत नज़ारा लिया करते थे। यमुना नदी अब यहाँ से बहुत दूर, कोई 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर बहने लगी है, नालियों की शक्ल में सूख गई है और उसकी छोड़ी गई ज़मीन पर निज़ामुद्दीन से गुजरने वाली रेलगाड़ियाँ नई दिल्ली की तरफ दौड़ती भागती रहती हैं। यमुना की गोद में कॉमनवेल्थ गेम्स का कबाड़, गेम्स विलेज यहीं है। यहीं पर कभी 1947 में बंटवारे के बाद हजारों शरणार्थियों ने पनाह ली थी। धीरे धीरे इमारत और इंसान एक दूसरे से दूर होते चले गए। अच्छा है आप यहाँ से पूरब नहीं पश्चिम की तरफ ही देखें, कम से कम मकबरे की शान तो कायम है। अब बन गया है, बच गया है तो सब आने लगे हैं ढूंढते ढूंढते हुमायूं का मकबरा, और इसके 30 एकड़ वाले बाग की कहानी तो बच ही गई। वो ब्रेक के बाद जब 1997 में हमने इधर बाग गार्डन रेस्टोरेशन का काम शुरू किया, तब यहाँ डेली करीब 200-250 लोग आते थे। अब क्योंकि गार्डन रेस्टोर हुआ, पूरा एरिया खुल के सामने आया, पूरा सेटिंग, तो आज की डेट में 4-4.5 हजार आदमी दिन का आता है।